Namaskar, yeah, Dupora Hirunam, studio at my joint of Madhav Goswami, Sawahok, Dupora Hirunam or Bistrit of Batory. Pulbor Hotru Hokolitia log Hose, Kindu Tropodekot, Telukor, Boritol or Mati Kohise, Mayabutir now Dubu Dubu, Barebare Porajar Pisotte, Hota Hupurise, Teluke, Bikek Dormalukok, Budibola, Banjonase, Nirbason Ayogehia Bisar Kuribolage, Kolponakorok, Jodi Kunubai, Enedrone Hindu Namot, Bud Bisarile Hetten, Tetia Keyhole Hetten, Secular Gang to Etia Code Gold, Bota Botadia Gang to Etia Code. Network 18 of Group Editor Rahul Josire Huasutia Hakkat Karot Enedore, Mayabutir Birute Hokti Halerile, Pradhan Mantri Narendra Modi. मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को वोट मुस्लिम से वोट मांगे कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा वोट बटना नहीं चाहिए उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करें वगैरह एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नहीं आए बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते कितने सिग्नेचर वाले निकल आते ये जमात चुप क्यों है देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है किस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना उनका है मायावती भी तो मजबूरी है कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी ইফালে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথক ভ্ৰষ্টনাথ আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথৰ বাসগৃহ দেওবাৰে আয়কৰ বিভাগে চলাইছিল অভিযান অভিযানকালত বিভাগটোৱে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰায় 10ৰ পৰা 15 কোটি টকা এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰষ্টনাথ বুলি কটাক্ষ কৰে কমলনাথক কৰাপচন পৰ ভি আপনে উন পৰ বহুত উংলি উঠাই হে পিছলে সালো মে কৰাপচন পৰ উংলি মেনে নে উঠাই হে কৰাপচন হামাৰা মুদ্দা হে अब जैसे कल भोपाल में हुआ भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें इससे बात बनती नहीं है क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए ষাঠি বছৰে কংগ্ৰেছে দেশৰ পৰা দৰিদ্ৰ আঁতৰাব নোৱাৰিলে ন্যায় আঁচনি কথা নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত সন্নিৱিষ্ট কৰি সেই কথা তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে 1984ৰ শিখ ৰায়তৰ বলি হোৱাসকলক ন্যায় দিয়া হ'লনে নাই ভূপাল গেছকাণ্ডৰ বলি হোৱাসকলক ন্যায় দিয়া হ'লনে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ৰ কৃষকসকলৰ বাবে ন্যায় কত যা কৃষি ঋণ ৰেহাই নামত ফাঁকি দিয়া হ'ল চৰ্দাৰ পেটেল সুভাষ চন্দ্ৰ বসু নৰসিংহ ৰাওৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় কৰা হ'লনে নেটৱৰ্ক 18 ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ৰাহুল জোশীৰে হোৱা আসুতিয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ अब उनका जो कैंपेन कांग्रेस का चला है वो कह रहे हैं अब होगा न्याय और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है कहा है कि 72000 रुपए साल में मिलेगा आप स्कीम को कैसे देखते हैं क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित होगा चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं क्या उनको न्याय देंगे क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं क्या ये कांग्रेस का न्याय कांग्रेस न्याय देगा क्या छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था वो किसान न्याय मांग रहे हैं कि आपने तो 10 दिन में कहा था 100 दिन हो गए न्याय कब मिलेगा भोपाल के जो गैस पीड़ित थे सैकड़ों लोग निर्दोष मारे गए थे वो न्याय मांग रहे हैं कि आपने
क्यों गुनहगारों को विदेश जाने के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी, वो न्याय मांग रहे हैं। नंबी नारायण हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनको आपने झूठा केस करके जेल में डाल दिया और भारत के स्पेस प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नंबी नारायण न्याय मांग रहे हैं कि आप क्या करेंगे। समझौता एक्सप्रेस के अंदर निर्दोष लोगों को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया। समझौता एक्सप्रेस के झूठे केस में इतने सालों तक जो जेल में रहे वो न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। इस देश के महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी न्याय मांगते हैं कि इतिहास में उनको उचित साथ क्यों नहीं मिला, उनको इस प्रकार से नीचा दिखाने की हर बार कोशिश क्यों की गई। तो न्याय मांगने के लिए अब देश के हर कोने से आवाज उठ रही है और मैं नहीं मानता हूं कि न्याय दिला पाएंगे। আৰু একেটা সাক্ষাৎকাৰতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে আস্থা প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দায়িত্বহীনতাৰ পৰিচয় দিছে। কাশ্মীৰৰ দুখন আৰু আধা জিলাতে এই সমস্যা আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ কাশ্মীৰ উপত্যকা আৰু সমগ্ৰ জম্মু শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সেনা এটা শান্তি ৰক্ষাকাৰী বাহিনী। প্ৰয়োজনত আমি উত্তৰ পূবৰ পৰা আস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিম, কিন্তু কাশ্মীৰৰ পৰা আস্থা প্ৰত্যাহাৰ মানে আমাৰ জোৱানসকলক মুকলিকৈ ফাঁচি দিয়া। মোদীয়ে দেশৰ জোৱানসকলক ক্ষতি হবলৈ নিদিয়ে। আমি কাশ্মীৰক লৈ নেহৰু নীতি সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব সহকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিম। আপ আস্থা কো কেছে দেখতে হ্যায়, ক্যা কোই এক টাইম বাউণ্ড ৱে মে উসকো ৱো কিয়া জায়েগা। দেশ মে পহলে এসি স্থিতি পেদা কৰনি চাহিয়ে কি আস্থা কি জৰুৰত হি না পড়ে। জেসে হমনে অৰুণাচল মে পৰিস্থিতি পেদা কি তো কুছ জিলো সে হমনে হটায়া, হমনে কুছ ৰাজ্যো মে সে হটায়া। 1980 কে বাদ পহলি বাৰ হটানে কা কাম হমনে কিয়া হ্যায়, লেকিন कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आपसा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्य करना क्या शोभा देता है क्या। और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं, जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है, लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है, बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। আৰু ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কঠোৰ সমালোচনাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাশ্মীৰৰ নেচনেল কংগ্ৰেছৰ নেতা ফাৰুক আব্দুল্লাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কটাক্ষ কৰি আব্দুল্লাই ক'লে, দেশৰ সেনা কোনো ব্যক্তিৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, দেশৰ সেনা মোদীৰ সেনা নহয়, দেশৰ সেনা জনতাৰ সেনা। সেনাক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ মোদীক সকীয়াই দিলে ফাৰুক আব্দুল্লাই। कुछ और पता नहीं, निशान, नॉट रियलाइजिंग हाउ इज गोइंग टू हिट द वेरी एसेंस ऑफ आर बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया। एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही मस्ट बी फार मोर केयरफुल इन यूजिंग हिज वर्ड्स। ही इज नॉट द ओनर ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इज पीपल्स आर्मी, नॉट मोदीज आर्मी और नेहरूज आर्मी और फारूक्स आर्मी। इट्स पीपल्स आर्मी। डोंट मेक इट योर आर्मी मिस्टर मोदी। Don't make it political. They're not RSS. I'm going to tell him, please, mind your language. You're Prime Minister of India. So long as you are, behave as Prime Minister of India, not as a chaiwala. ইফালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা সময় উত্তৰ পূবৰ পৰা আস্থা প্ৰত্যাহাৰক লৈ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া।
Congress has not said that it will remove AFSPA. Congress has only said that in cases of forced disappearance, sexual violence and torture, only on these accounts there will be no immunity to the armed forces. And there have been many complaints in such cases. So that is valid, I think, because why should anybody torture anybody or take recourse to sexual violence? In those cases, we have to be strict. Otherwise, AFSPA is always there. Which will give armed forces their powers to do their work justifiably. Pradhamantri Pratyahban Jonai Kashmir Bichinnotabadi Neta Mukhtar Abbas Naqvie Kole Kashmir Swadhin Hoboy. Mehbooba Mufti Hok ba Farooq Abdullah Hok Kuneo Swadhin Kashmir Rakhabo Noare. Dekho ek baat aap samajh lo. कश्मीर तो आजाद होगा जरूर होगा ये महबूबा साहब को भी समझ लेना चाहिए या अब्दुल्ला साहब को भी समझ लेना चाहिए आतंकवादियों से आजाद होगा अलगाववादियों से आजाद होगा और आतंकवादियों और अलगाववादियों के महबूबा साहिबा जैसे अब्दुल्ला साहब जैसे दोस्तों से भी आजाद होगा